उसके अंदर अपने नाम निर्देशन पत्र में और जो शपथ पत्र है उसके अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसको बताना सबसे जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति गड्ढा ने अपना जो क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड है उसको छुपाया गया। उन्होंने तो नाम निर्देशन पत्र में और न ही शपथ पत्र में उल्लेख किया कि मेरे खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड कोई दर्ज है। उन्होंने उनके खिलाफ जोधपुर के उदय मंदिर थाने में FIR नंबर 577/2023 और FIR नंबर 582/2023 ये दोनों दर्ज है। लेकिन इन्होंने अपने नाम निर्देशन पत्र शपथ पत्र में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया। तो आज हमारे इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में भी, जयपुर में भी और यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करके और इसका फॉर्म जो है वो रद्द किया जाए ताकि एक मैसेज ये जाए कि चुनाव आयोग और हम सब जो है मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और ये बड़ी विडंबना की बात है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखने की बात करती है उनके प्रतिनिधि और उनके द्वारा नामित जो प्रत्याशी यदि ऐसी हरकत करता है तो इसके अंदर देश के अंदर एक आम व्यक्ति के अंदर गलत इसका प्रभाव जाएगा। हमने ये निवेदन किया हमारे प्रतिनिधिमंडल ने तुरंत प्रभाव से न्यायोचित संविधान के अनुरूप कार्रवाई करते हुए डॉक्टर ज्योति मिर्जा का नामांकन खारिज किया जाए।